मौजूदा राजनीतिक सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। पिछले दो साल से राज्य कोरोना के जद में रहने की वजह से विकास कार्य पूरी तरह बाधित रहा। कोरोना से बाहर आते ही राज्य सरकार ने विकास को पटरी पर लाने की शुरुआत कर दी है, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में घिर जाने से विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। इसे रफ्तार देने की कवायद में सीएम लग गए हैं। स्थिति था वहां का स्थिति था पूरा, तो इस परिस्थिति में पदाधिकारी भी हो कम से काम नहीं होता विभाग में, और विगत अगर कहा जाए तो डेढ़ दो महीने से ऐसे भी आपका कोरोना काल के चलते और के एक चलते काम नहीं हुआ। पंचायत चुनाव में आचार संहिता था तो काम जो आपका होना चाहिए तेजी वो सब चीज नहीं हो पाया। इधर फिर संशय बना हुआ था और इस तरह का नैरेटिव सेट करने में लोग लगे रहते हैं पूरा लोगों को। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम में वो अपना ध्यान दे रहे हैं विभाग के लोगों को, और उनको थोड़ा सा तेजी लाने का जरूरत है, ताकि अभी बारिश खत्म हुई है, इधर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक युद्ध स्तर पर काम चले। सूखा स्थिति है पूरा, इस तरह में सुखाड़ के क्षेत्र में लोगों को इसका लाभ कैसे मिले। सरकार की योजना है कि हर एक गांव में पांच पांच योजना भी चलाया जाना है, ये भी बात कही गई है। तो राज्य सरकार को इसमें थोड़ा सा तेजी लाने के लिए थोड़ा पदाधिकारियों पर शक्ति लागू करने की जरूरत है, ताकि लोग अब तो जितने आप नीतिगत फैसला ले रहे हैं ये काफी लोग राज्य की जनता आपको सराहना कर रहे हैं, लेकिन विकास के काम में भी तेजी बढ़ना चाहिए, लोगों को लगे कि विकास का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।